बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। देख के निकल गए, रोजे को देख के निकल गए, हज को देख के निकल गए, किसी को देख के निकल गए। आप इस मैं किस चीज को देख कर निकली हूँ, मैं ये बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है जी, जी माली जी हमारे साथ इम्पोर्टेंट सदस्य जुड़ गए। लहरू जी नमाज खराब है, ना रोजा खराब है, ना हज खराब है, और आप निकल गए। खाली कर दिया है इन्होंने, ये अल्लाह मियां ने इसीलिए लिखा हमारा दिमाग आधा है, क्योंकि ऐसे मर्द आकर जो हमारा दिमाग खाते है ना, उसके बाद मेरा वाकई में दिमाग आधा हो जाता है। जी जी लहरू जी बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे मोमिन जी आए, जरा आप भी, अच्छा वो चले गए जी। पहले तो आपका स्वागत करे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी। आप सब तक नमस्कार पहुंचे, आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूं, दंडवत वाला बिना एल लगाए हुए। और यहां पर चर्चा का विषय जो भी हो, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो अपना अपना खड़ा करें सवाल, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद जी। वो चले गए जिनका सवाल था, उनका कहने का मतलब यह था कि आप मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हैं, जबकि पूरा जो इस्लाम है वो ना ऐसा नहीं है, ज्यादातर मुसलमान ऐसे नहीं है, आप इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई मैं कुछ बोलूं, एक मिनट, मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाई देखो, ये कह रहे हैं अच्छाई की अच्छाई बोलो, तो भाई अच्छाई के बारे में भी बात होगी, बुराई के बारे में बात होगी। ये ऐसे लोग जो है ना, वो बुराई के बारे में नहीं बात कर रहे, इसीलिए तो मैलीज दीदी जैसे लोग आके बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, बोलने तो कम से कम कह रहे आप छोड़ दिए, आप दुश्मन बन गए, उनकी मर्जी है भाई, दीन में तो कोई जबरदस्ती है ही नहीं, फिर काय को आते ये लोग। हाँ तो वही ना, दीन में जबरदस्ती नहीं है, मगर आपने जबरदस्ती अपने नेबर का घर जो है वो साफ करवाना है, अपना कचरा नहीं, क्या बोला, हमें कचरा अपना नहीं उठाना, दूसरे का कचरा साफ करता है, यार क्या बात है इनकी, और आपको दीन में वापस लाना है, काम कर रहे हो। देखिए दीन में जाने की कोई जबरदस्ती नहीं, यह बात सत्य है, लेकिन दीन में जब आप चली जाएंगी या आप चले जाएंगे तो आपके साथ रोज जबरदस्ती की जाएगी, और आपको जबरदस्ती करना भी पड़ेगा और करवाना भी पड़ेगा, ये है दीन की खासियत। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा तौबा, यार क्या लोग हैं, खुद ही अपने आप को बदनाम करते हैं, फिर कहते हैं हमको बदनाम क्यों करो। ओ भाई मैंने फोड़े जाकर बम, कोई और जाके बम फोड़ रहा है, अभी वो ट्विटर पे भी मेरे साथ कोई लगा हुआ था, एक इस मॉस्क में एक अटैक हुआ, उस मॉस्क पे वो अटैक हुआ, मैं तो कंडेम करती हूँ, मैं तो कहती हूँ किसी भी मॉस्क पे भी अटैक नहीं होना चाहिए, कहीं भी अटैक नहीं होना चाहिए, मगर फिर आप ये भी देखो ना कि भाई आपकी कैजुअलिटीज कितनी हुई है और आपके टेररिज्म फैलाने वाले लोगों ने कितनी जो है वो करे। चार्ली हेब्डो उठा लो, आपने फ्रांस में हमला किया, जर्मनी में आपने वहां पे क्रिसमस मार्केट प्लेस में हमला किया, आपने यूके में हमला किया है, आपने न्यूयॉर्क में 9/11 करवाया, आपने इंग्लैंड सॉरी इंडिया में आपने हमला किया, कौन सा मुल्क छोड़ा है आप लोगों ने जहाँ पे आप लोगों ने हमले नहीं किए टेररिज्म के नाम से, मगर निकलते सारे मुसलमान हैं। लेकिन इनके जब मॉस्क पे हमला होता है मुझे बड़ा दुख होता है, मैं भी ऐसी चीजों को पूरी तरह से कंडोम करता हूँ। ऐसी चीजों को पूरी दुनिया को कॉन्डम करना चाहिए, पूरी दुनिया ऐसी चीजों को कॉन्डम करे जब भी कोई कहीं पर हमला करे। काश कॉन्डम ही पहन लिए होते इनके माँ बाप ने, तो आज हमको भुगतना ही नहीं पड़ रहे होते इनकी बातें को, सीरियस फट जाते थे, दो दो चीजें एक साथ फटा करती थी, ऐसा नहीं कि वो पहनते नहीं थे, कॉन्डम और वो दोनों चीजें एक साथ फट जाती थी। वैसे मैंने सुना है जब ये अपने आप को फाड़ने जाते हैं तो नीचे जो है इन्होंने वो सिल्वर प्लेट लगाई हुई होती है, ताकि भाई हूरों के लिए वो तो सलामत रहे। लेकिन मेरी एक समस्या है, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए और आप सबके लिए, इस सवाल का जवाब शायद कोई दाढ़ी वाला बता पाए। सवाल ये है कि जब 104 फीट की हूर है तो चुम्मा लेने के लिए लिफ्ट लगानी पड़ेगी, वो लिफ्ट वहां पर है कि नहीं ये कोई नहीं बताता,
और ये भी नहीं बताता कि जो नीचे से जा रहा है कटा फटा हुआ आदमी, वह वहां जाकर जब इतनी ही हाइट का रहेगा तो 104 फुट की हूर को नीचे से देखेगा तो ऊपर कैसा दिखेगा। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा यही साइज रहा और बाय चांस हूर ने कहा आओ कुछ कर लो, तो तुम इतने बड़े कुएं में जाकर क्या करोगे, हजारों लोग समा जाएंगे। और 104 फुट की हूर इतनी ही दुबली तो नहीं होगी, क्योंकि इतनी ऊंची लंबाई में बैलेंस करने के लिए उसकी मोटाई भी बहुत होगी, तो वह पूरा का पूरा कुआं होगा जहां पर बहुत सारा धुआं होगा। तो 104 फुट की हूर में तुम्हें करना क्या है, उसके स्तन उसका वक्षस्थल तुम्हें भीषण पहाड़ों की तरह दिखाई देगा, जिसमें चढ़ना और उतरना तुम्हारे लिए दिन भर का काम होगा। तो तुम्हारे हूर के मजे लेने हैं कि तुम्हें सूतिया बनाया जा रहा है, इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। और अगर हूर इनके ऊपर बैठ गई तो फिर? और अगर हूर ने पात दिया तो तुम कहां जाकर गिरोगे, ये भी सोचो। हूर पात दे, बैठ जाए, इनको जोर से छींक दे, इनका तो कचूमर वहीं निकल जाना है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से। तो हूर की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए खुद अपने को देख लो कि तुम क्या कर पाओगे और वहां जाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर हूर ने बहुत जोर से पाद भी दिया तो ये लोग उड़ करके जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। माय गॉड, गॉड जी, लाइट आ गई अभी कि नहीं आई? नहीं, लाइट आई है, क्योंकि मैंने काफी मटेरियल इकट्ठा करके रखा है जो इनको दिखाना है। मैंने जो इमरान खान के लिए स्पेशल आया है, हमारे जो क्या नाम है सिलेंडर जी, इमरान खान के लिए स्पेशल, क्योंकि उनका आज आज क्या खबर क्या माली जी इमरान खान के ऊपर? वो आपको पिंकी पी नहीं बताएंगे, क्योंकि इमरान खान की खबरें जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिंकी पी नहीं रखती है। मुझे क्या, वो पिंकी पी नहीं आती है मेरे ऊपर, तो फिर मुझे वो वही नाजिल होती है, मेरे पता चलता है कि भाई चल क्या रहा है इनकी अपनी लाइफ में। तो वो वही आगे बताएंगे, बस दो मिनट। जो पीरनी, पिंकी पीरनी के पास जो जिन्नात है, क्या आप अपने जादू टोने से उनको नहीं बुला सकती अपने पास, क्या ख्याल है? नहीं नहीं, वो उनके जिन्नात ही तो मुझको आगे बताते हैं कि हो क्या रहा है। वो ट्रांसफॉर्म वहां से होकर यहाँ तक आते हैं, टेलीपोर्टेशन चलती है। हाँ जी, सही है, सही। अच्छा, हमें उससे पहले इंडिया की खबर बता दे, मुझे ये आभास हो रहा है, आभास क्यों हो रहा है कि जल्द ही हमारे केजरीवाल का मिलन उनके साथ ही मनीष सिसोदिया से होने वाला है। इसका क्या कहना आप जी गौतम जी, क्या जल्द ही मिलन होगा जेल में उनका, क्योंकि आज सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज जिस हिसाब से केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी देखिए घी उन्हें बहुत पसंद था, वो अक्सर लिखते थे 10 किलो घी भेज दो, 15 किलो घी भेज दो, और उनका घी बड़ा गाढ़ा था। केजरीवाल जी घी की टेस्टिंग करने के लिए कुमार सहवास जी को अपने साथ रखे हुए थे। वो पतली कमर वाले कुमार सहवास स्वयं केजरीवाल जी के घी की अक्सर टेस्टिंग करते थे, लेकिन कुमार सहवास जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, केजरीवाल जी का घी टेस्ट करने वाला कोई नहीं रहा। केजरीवाल जी ने तत्काल प्रभाव से पतली कमर और ज्यादा कुमार सहवास से ज्यादा सुंदर दिखने वाले और उनसे ज्यादा गोरे आइटम गर्ल क्या राघव चड्ढी, नहीं उनकी चड्ढी उतारते, सॉरी राघव चड्ढा को रख लिया, और अब वो उनका घी टेस्ट कर रहे हैं। मैं तो इस चिंता में हूं कि आखिर किस वजह से सीबीआई ने उनसे घी टेस्ट करने के लिए बुलाया है। कहीं सीबीआई ने अपने डंडे पर तो घी नहीं लगा रखा, और केजरीवाल जी शुगर के मरीज भी हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए। मुझे तो चिंता सुनीता भौजी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुनीता भौजी केजरीवाल जी की बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब लोग कहते हैं, आज संजय सिंह ने कहा कि तुम जाओ जेल, हम तुम्हारी बीबी का ख्याल रखेंगे, तो उनमें उस ख्याल में और भी बहुत कुछ था। ख्याल बस नहीं रखेंगे, कहीं बीबी ना रख ले। और सुनीता भौजी वैसे भी केजरीवाल जी के सुगर होने के बाद से इधर उधर खाती पीती रही, क्योंकि जब केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूं मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा, और उसके बाद 49 दिन तक सरकार चलाने के बाद कांग्रेस का सपोर्ट लेने के बाद भी उनके बच्चे अब तक मजे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो भौजी ने बताया नहीं कि ये बच्चे किसके हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के बच्चे होते तो डिस्काउंट हो चुके होते। इसलिए बड़ा दुख है, बहुत दुख है आज मुझे।
जी पहली चीज मेरी आज मैं आपसे परमिशन चाहूंगा, मैं बस आपको लाइव देखा तो मैं सोचा कि आपको हेलो बोलता चलूं और बेस्ट विशेस देता चलूं। आई थिंक आपका यूट्यूब लाइव काफी दिन बाद मैं जुड़ा, कई बार परमिशन नहीं मिल पा रही, मतलब परमिशन क्या बोले, कई मोमिन जुड़ जाते हैं वो आपका दिमाग खराब करते रहते हैं, तो बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं वो लाइन में कतार में आप देख नहीं पाती उनको, लेकिन चलिए आज मौका मिला तो मैं आपसे सीधे बात करने आ गया और विश यू ऑल द बेस्ट एंड टॉक टू यू सून दीदी। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, माली जी आप जल्दी से आ जाइए। मेरी बेटी ने मेरा मेकअप के अंदर घुसी हुई है, मैं हमेशा मना करती हूँ मेरे मेकअप में मत घुसना, मेरा कंसीलर गायब हो गया, मैं रो रो के मेरी आंखें सूजी हुई है, मैं वो आंखों को जरा सा वो करना चाह रही थी क्योंकि आप खुद ही देख लेते हैं। जी शैलेंद्र जी लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, मतलब इतने शानदार वचन तो किसी साधारण व्यक्ति के हो नहीं सकते, वो फिल्म लाइन से बता रहे लगते हैं आपको। धन्यवाद, बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ और अब मेरा दिल सामने बैठी चश्मा लगाए हुए आर्टिस्ट पर आ चुका है, मैं ठरकी लहर रूपी हूँ और इस मोहतरमा पर अब मेरा दिल आ गया है, मेरा दिल धक धक करने लगा है क्योंकि मैं बचपन से ही ठरकी और लहर रूपी हूँ, इसलिए लहरा रहा हूँ। मोहतरमा आपकी सुंदरता के हम कायल हुए, आप जितनी प्यारी बातें करती हैं उतना ही प्यारी आप दिखती भी हैं और इस चश्मे के बाद तो आप कहर ढा रही हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आपके आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप छा चुकी हैं मोहतरमा, आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और बच्चों जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो लोग ट्विटर पे जाएं, ठरकी लहरू या @pel दीजिए, सर्च करें, मैं वहां पर मिल जाऊंगा, या फिर आप लोग फेसबुक पे हैं तो द स्पीकर नाम से मेरा पेज है उसे सर्च करें, या द स्पीकर नाम से मेरा ट्विटर प्रोफाइल है उसे सर्च करें, मैं आप सबको मिल जाऊंगा। मैं एक वक्ता भी हूं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं और बकसोद भी एक नंबर का हूं। मैं अब इस्तकबाल करना चाहता हूं महलीज जी का, महलीज जी की ये मुस्कुराहट पे दिल आ गया, स्वागत है। जी 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 आप थोड़ी देर और रुके, क्योंकि हमारे इमरान खान जी का भी थोड़ा हम दर्द बता देते हैं, उनके साथ हुआ क्या तो उसके बाद एक्चुअली मुझे लगता है इनके अंदर जो है इमरान खान की रूह घुस गई थी, इसी वजह से इनका ठरकन बाहर आ गया मुझे पिंकी बीरनी को देखकर। तो मैं आज आपको पिंकी बीरनी के थ्रू उनकी रूह मेरे अंदर आ जाती है कभी कभार, आपको पता है ना, तो मैं आके वो दुखड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे इमरान खान के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये कमीने जो है ना पाकिस्तानी दूसरे, ये सारी साजिश है, यहूदियों के साथ मिलके ये साजिश कर रहे हैं ये हमारे मुसलमानों के अगेंस्ट। हमारे इमरान खान जो रियासत मदीना बनाने चले थे उन्होंने मेरी जैसी बंदी को पसंद किया, देखे मैं कितनी शरीफ, मैं इतनी शरीफ कि पर्दे के पीछे भी मेरी शादी शुदा थी, मैं जब पर्दे के पीछे मैंने एक बंदे को फंसाया और उसके साथ शादी की, और अब ये न्यूज बना रहे मौलाना साहब क्या कह रहे थे, मौलाना साहब ने एक फतवा जारी किया है इमरान खान और मेरे ऊपर, शर्म नहीं आती इन मौलानाओं को, ये ढोंगी मौलाना है, ये भी यहूदियों के हाथ बिक चुके हैं, तो इन पे आप भरोसा मत करें, सिर्फ इमरान खान मौलाना पे भरोसा कीजिएगा और मुझ पे, क्योंकि वी आर द वंस दैट विल टेल यू द ट्रूथ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, वैसे आपके अंदर ही मुझे इमरान खान की आत्मा दिख रही है गौतम साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है विश्व के हर उस व्यक्ति में जो अपने अंग विशेष के अग्रभाग से सोचता है उसके अंदर इमरान खान कहीं ना समाया हुआ है। इमरान खान कोई मनुष्य नहीं है, वह हवस का वह देवता है जो हर आदमी के अंदर घुस चुका है। इस पूरे विश्व में जब भी रात के अंधेरों में कोई व्यक्ति हवस और वहशी पना दिखाता है तो इमरान खान उसकी रूह में घुस चुका होता है। इमरान खान किसी देश का नहीं है, इस पूरे विश्व में हवसी बलात्कारी और चमत्कारी लोगों का इमरान खान है, वह इस धरती की एक पूंजी है जिसे सहेज कर रखना चाहिए। मेरे अंग विशेष सा दिखता हुआ इमरान खान का चेहरा मुझे रोज दिख जाता है। अच्छा अब मैं आपको ये हमारी जो कमीने मौली साहब है ना जिन्होंने पैसे खा लिए, जी मालिक जी ये उनका ट्विटर हैंडल है, आप वो फॉलो कर लीजिए क्योंकि वो स्पेसेस लगाते हैं तो बहुत हास्यास्पद होते और बहुत ही मजेदार होती है, आपका दिन बन जाएगा। मैं अभी कर देती हूँ इसको भी, पहले हम ये बात सुनते हैं ये मौलवी साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ठीक है
यकम जनवरी 2018 का किस्सा है। पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।